नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि देश के अंदर जहां हाहाकार मचा हुआ है, वहीं पूरे दुनिया के अंदर जो है एक के बाद एक हम बड़े बड़े यहां पर जो है अर्थक्वेक देख रहे हैं। और इसी बीच में एक और भूकंप की खबर जो है हमारे सामने निकल करके आ रही है, इसको लेकर के चलिए हम आपको पूरी डिटेल दे देते हैं। आपको बता दें कि तुर्की में आज यानी कि सोमवार को जो है भूकंप की तीव्रता देखी गई, 7.8 तीव्रता के जो है ये भूकंप पूरी तुर्की में आया। और इसका असर जो है सिर्फ तुर्की तक ही नहीं रहा, आपको बता दें कि इसका असर सीरिया, लेबनान और इजराइल में भी महसूस किए गए। तुर्की में सबसे प्रभावित शहरों में राजधानी अंकारा, नूरदगी समेत 10 शहर है। अधिकारियों के मुताबिक तुर्की में अब तक 76 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 500 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। वही सीरिया में 90 लोगों के मारे जाने की खबर है, 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र गाजियान्टेप से लगभग 33 किलोमीटर और नूरदगी शहर से लगभग 26 किलोमीटर दूर था। यह 18 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। आपको बता दें कि यहां पर जो है जब से ये हाहाकार मचा, हर देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, हर कोई इस पूरी घटना को लेकर के जो है अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तस्वीर को देखिए, कितनी भयावह तस्वीर जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। आप इस तस्वीर को देख करके समझ सकते हैं कि तुर्की में कितना बड़ा बवंडर जो है वो मचा, और तुर्की में इतनी ज्यादा तेज तीव्रता के साथ इस भूकंप ने आसपास के राज्यों को, शहरों को यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। सिर्फ राज्य शहर तक ही भूकंप की तीव्रता नहीं रही, पास के देशों में भी जो है इस तीव्रता ने हड़कंप मचाया। आपको बता दें कि भूकंप के इतने तेज झटके की वजह से जो है काफी लोगों ने जान गंवाई, तो काफी लोग जो है अभी भी घायल है। जो आंकड़े अभी हमने आपके सामने पेश किए, उस आंकड़ों के इतर भी जो है कई और चीजें जो है वो सामने निकल करके आई है। जैसे हमारे पास तमाम अपडेट्स आ जाते हैं, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे और आपको जो है इस भूकंप से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।